मुंबई अवार्डुल प्रधानोत्सव में विषादम चोटु चेसुकुंदे कर्कर्लो महाराष्ट्र भूषण अवार्डु प्रधानोत्सवानिकी भारीगा जनं हाजरयारु तीव्रमैन वडदेब्बकु 11 मंदी मृति चेंदगा वंदलादि मंदी आस्पत्रुलो चिकित्स पोंदुतुन्नारु सामाजिक कार्यकर्त अप्पासाहेब धर्माधिकारी शिंडे सर्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्डुतो सत्करिंचिंदि नवी मुंबईलो एर्पाटु चेसिन कार्यक्रमंलो केंद्र होंमंत्री अमित षा चेतुल मीदुगा धर्माधिकारिकी अवार्डुनु अंदजेशारु अयिते ई कार्यक्रमंलो लक्षलादिगा प्रजलु तरलिवच्चारु उदयं 11:30 नुंचि मध्याह्नं 1 गंट वरकु कार्यक्रमं निर्वहिंचारु सभा प्रांगणंलो कुर्चीलु आडियो स्पीकर्लु वीडियो तेरलु एर्पाटु चेसिनप्पटिकी टेंटुनु एर्पाटु चेयलेदु भारी एंड कारणंगा तीव्रमैन वडदेब्बतो वंदलादि मंदि अस्वस्थतकु गुरय्यारु मृतुल्लो 8 मंदि महिळलु उन्नट्लु गुर्तिंचारु वडदेब्ब घटनपै महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंडे विचारं व्यक्तं चेशारु दुरदृष्टकरमनि अन्नारु मृतुलकु 5 लक्षल परिहारं प्रकटिंचारु आस्पत्रिलो चिकित्स पोंदुतुन्न बाधितुलकु अन्नि विधाल अंडगा उंटामनि चेप्पारु अटु नवी मुंबई कमोते आस्पत्रिलो क्षतगात्रुलनु माजी सीएम उद्धव ठाकरे एनसीपी लीडर अजित पवार परामर्शिंचारु सभ निर्वहणलो सरैन प्रणालिक लेकपोवडं वल्ले अमायकुलु मृत्युवारिन पड्डारनि उद्धव ठाकरे अन्नारु वडदेब्ब घटनपै एवरु दर्याप्तु चेस्तारनि प्रश्निंचारु క్షతగాత్రులకు అందిస్తున్న చికిత్సను పరివేక్షించేందుకు మహారాష్ట్ర సర్కార్ అధికారులను నియమించింది. ఇలాంటి లోటు లేకుండా చూడాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అటు నవీ ముంబైలో ఆదివారం 38 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. భారీ ఎండతోనే వందలాది మంది అస్వస్థతకు గురైనట్లు వైద్యులు అంటున్నారు. पूरे महाराष्ट्र के 13.5 करोड़ लोगों की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है और ये देते हुए ये जो घटना हुई उसमें मेरे ख्याल से अभी तक 11 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत बड़ा यहाँ हादसा हुआ है और बहुत से पेशेंट एडमिट किए हैं हॉस्पिटल में, उनके ऊपर उपचार चालू है। डॉक्टर ने अभी यहाँ मैं जिस हॉस्पिटल के तरफ से अजमेर हॉस्पिटल के माध्यम से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वहाँ हमने देखा अंदर तो एक वेंटिलेटर पे पेशेंट है, वो सीरियस है। बाकी के पेशेंट ने हमारे साथ बात की कैसा हुआ क्या हुआ, वो सब हमने उनको उनके साथ पूछताछ की और उन्होंने सब कुछ बताया। ये जो घटना हुई बहुत दुर्दैवीय है।